सभी लोग अपने लिए नहीं समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज के लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए, समाज में बैठी हुई करप्शन जो कि जड़ें बढ़ाई हुई है उसको खत्म करने के लिए काम करते हैं। देश के नौजवानों ने भी अपने लिए नहीं हमारे लिए कुर्बानी दी। उस समय नारा होता था देश के लिए मरना सीखो, लेकिन आज आपने सुबह मोदी साहब को सुना होगा, मोदी साहब ने कहा देश के लिए जीना है। देश के लिए कैसे जीना है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी तिजोरियों के लिए हर कोई काम कर सकता है। एक कीड़े मकोड़े को भी पता मैंने अपना पेट कैसे पालना है, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए, कौम के लिए काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम किसी भी जॉब पर बैठे हैं, कोई आदमी कोई पहले आदमी को राजनीति करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, वो सब काम को करते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हुए मैं इस देश के लिए क्या योगदान कर रहा हूँ, मैं इस समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं देश के लोगों के लिए किस प्रकार की सेवा कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ हम मन में सोचते चलेंगे तो निश्चय रूप से जहाँ समाज का उत्थान होगा, हमारे लोगों में फैली हुई बुराइयाँ खत्म होंगी और साथ साथ में हमें भी एक आत्मसंतोष मिलेगा। आप कभी भी अपने प्रैक्टिकल जीवन में आपने देखा होगा, जाने अनजाने में आपने कभी भी कोई ऐसा पुण्य का काम किया हो, सामने वाले की आंखों में आप देखोगे आपका अपना नुकसान भी हुआ हो, आपकी जेब से कुछ भी गया हो, लेकिन जब सामने वाले की आंखों में देखते हो तो एक आपको संतोष होता है, आपको लगता है मैंने एक कोई अच्छा काम किया। कभी करके देखना, आप अपने बच्चों के लिए कोई कपड़े दिलवाने जा रहे हो, बाहर कोई नंगा बैठा है उसने कोई चप्पल नहीं पहनी, आप उनको चप्पल दिलवाओगे मुझकर आपको अपनी कभी पहन के इतनी खुशी नहीं होगी जितनी उस चप्पल पहनाने वाले को आप उसकी आंखों में देखोगे तो आपको खुशी होगी। तो मेरे कहने का मतलब है जिस प्रकार आदमी बड़े भाई भट्ट जी आप सब लोगों को साथ लेकर हर साल ये दिन मनाते हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम गल मिलकर समाज के बारे में सोचें, चिंता करें, देश के बारे में सोचें, तो मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। क्योंकि इस समाज में हमारे एक डैम होता है, यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एक सड़क पे गिरा हुआ कागज उठा के आप डस्टबिन में डाल दो, एक कोई पानी वेस्ट कोई हो रहा है टूटी चल रही उसको बंद कर दो, वो भी एक बड़ा योगदान है समाज के लिए। तो अब हम इस दिन प्रण करें कि हम लोग समाज के लिए, देश के लिए और देश के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, खास करके डॉक्टर साहब को बहुत बधाई और उनका धन्यवाद भी। वो जो भी कार्यक्रम करते हैं पता नहीं हमें नहीं भूलते, हम लोग का मैं तय दिल से उनका शुक्र करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर से निकल के आप हमारे जो सेवा के डॉक्टर आपके बाद मैं यही नजदीक आपके नजदीक पूरी बंदा जहाँ शमशान घाट है उसके बाद अपने को जिसकी छाया में जिसके ऊपर हम लोगों का जीवन असर हो रहा है। दोस्तों सर्वप्रथम मैं दूसरा स्वतंत्रता दिवस के 70 साल के पूरे होने पर मैं आप सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ और हम लोग इस संगठन एक संगठन हमारे देश में 12,41,000 के लगभग संगठन काम कर रहे हैं। फर्ज है उसको पूरा करें, जो समाज का फर्ज है उसका पूरा करें और जो आपके धर्म का है उसके लिए भी करें कि अपने परिवार को ना भूलें, क्योंकि परिवार है तो देश है, देश है तो समाज है, समाज है तो हम सब हमारा धर्म जिंदा है। कि आप लोग प्यार मोहब्बत बना करके रखें, आज आपका देश बहुत आगे तरक्की करते हुए बढ़ चुका है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे कोई भी देश हो, आप लोगों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी अगर किसी चीज़ की है तो सिर्फ आपसी
मतभेद भुलाकर आपसी भाईचारा बन के रहें। आप किसी भी पार्टी से संबंधित हो, सभी का स्वागत है, सभी हंसते खेलते रहें और इस देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको आप पूरा करें। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।